अस्सलाम वालेकुम, मैं आपकी खिदमत में हाजिर आपका अपना सोल्जर मोहम्मद सतार बाकर अक्टूबर 2020 की मंथली हॉरोस्कोप के साथ। इस वीडियो में बात करेंगे दायरतुल बुरूज के पहले नंबर पर आने वाले साइन एरियस की यानी के बुर्ज हुमल की। बुर्ज एरियस वालों के लिए अक्टूबर 2020 बहुत ही अच्छा और मावन साबित होगा, क्योंकि इसमें आपके चार्ट के 10वें घर में 3 अहम स्टार की मौजूदगी आपकी तरक्की, कामयाबी और हर तरह के मामलात में हौसला हिम्मत आपके अंदर पैदा करेगा। जुपिटर जो कि 13 सितंबर को मुस्तकीम की हालत में आ चुका है, सैटर्न 29 सितंबर से मुस्तकीम की हालत में आ चुका है, प्लाटो जो कि 4 अक्टूबर 2020 को मुस्तकीम की हालत में आ जाएगा, ये आपकी कामयाबी का वक्त और ऐसी कामयाबियां आप समेटेंगे जिसका आपको शायद अंदाजा नहीं होगा। सबसे पहले बुर्ज हुमल वालों का चार्ट अक्टूबर 2020 देखते हैं कि कौन सा सितारा किस घर में मौजूद है। इससे पहले जानते हैं कि आपके बैतुल माल में आकर कौन सा सितारा आपको आमदन में इजाफा करता है और कौन सा नुकसान आपको देता है। आपके बुर्ज माल में आपके दूसरे घर का मालिक सितारा जोरा है। कमर को बुर्ज सौर में आकर शर्फ हासिल होता है और मुश्तरी बुरसौर में आकर ताकतवर होती है और मरीख और प्लाटो यहाँ आकर आपको नुकसान देते हैं और यूरानस इस बुर्ज में आकर कमजोर होता है, जो कि आपकी आमदनी में ये सितारे बहुत ज्यादा असरअंदाज होते हैं। अब चार्ट में सितारों की पोजीशन देखते हैं कि अक्टूबर में कौन सा सितारा किस घर में मौजूद है। बैतुल ताले में आपके बुर्ज का हकम सितारा मरीख मौजूद है, बैतुल माल में यूरानस मौजूद है, बैतुल कुर्बा में रास मौजूद है, बैतुल इज्जत में कोई सितारा मौजूद नहीं है और आपके बैतुल औलाद में जोरा मौजूद है और आपके बैतुल मर्ज में भी कोई सितारा मौजूद नहीं है। शम्स आपके चार्ट के सातवें घर बैतुल जवास में मौजूद है, अतरत आपके बैतुल खौफ में मौजूद है और आपके बैतुल सफर में जुम मौजूद है, बैतुल इज्जत में जोहल मुश्तरी प्लाटो मौजूद है और आपके चार्ट के ग्यारहवें घर बैतुल उम्मीद में कोई सितारा मौजूद नहीं है और आपके बैतुल लदा में नेपचून मौजूद है। बाकी तफसील सितारों की कौन सा सितारा रिजत पजीर है और कौन सा सितारा रिजत अख्तियार कर जाएगा और कौन सा सितारा मुस्तकीम की हालत में आ जाएगा। इससे पहले मैं आपके चार्ट के दूसरे घर बैतुल माल पे थोड़ी सी नजर डालना चाहूंगा ताकि आपके लिए कुछ रहनुमाई मिले। आपके चार्ट का दूसरा घर बैतुल माल में बुर्ज सौर है और सौर का हाकम सियारा जोहरा है। जोहरा जो कि हुसन और इश्क का सितारा और खूबसूरती पर हकूमत करता है। बुर्ज हुमल के अफराद ज्यादातर पैसा कमाने के फन जानते हैं, इन्हें कभी तंगदस्ती का सामना नहीं करना पड़ता, लेकिन शाखर्ची में भी वो अपना सानी नहीं रखते। रकम हाथ आते ही ये उसे पहली फुर्सत में खर्च भी कर डालती है। रुपए पैसे के मामले में ये लोग बड़े दयानदार वाकया हुए हैं, किसी का हक मारना अच्छा नहीं समझते और ना अपना हक छोड़ते हैं किसी पर। बुर्ज हुमल के जीरे सर पैदा होने वाले अफराद सलीका और रख रखाव को पसंद करते हैं और इनकी ख्वाहिश होती है कि इनके दफ्तर में खूबसूरत और कीमती फर्नीचर हो जिसे सलीके से आरास्ता भी किया गया हो। दफ्तर की आरइश व जबाइश से भी दूसरों को मुतासर करके अपने कारोबार में मदद लेते हैं। बुर्ज हुमल अफराद के हल्का अहबाब में ज्यादातर नौजवान और खूबरू अफराद शामिल होते हैं। बूढ़ों और बदसलीका लोगों को ये पसंद नहीं करते, रिजस से इनको दूर का भी रब्ता नहीं, चनाचे जदीद और मॉडर्न माहौल इन पर नहायत खुशगवार असर डालता है। बास बुर्ज हुमल के अफराद रुपए पैसे के मामले में बड़े लापरवाह, वो कुछ न कुछ बचाना चाहते हैं लेकिन इनसे बन नहीं पड़ता। पैसा हाथ में आते ही वो इसे इस तरह लुटाना शुरू कर देते हैं कि आने वाले कल के लिए कुछ नहीं बचता। ये सिर्फ ये जानते हैं कि मौजूदा वक्त कैसे गुजारा जा सकता है। कुछ बुर्ज हुमल के कमजोर अफराद तो इस मामले में और भी लापरवाह वाकया हुए हैं। वो सोचे समझे बगैर बेतहाशा अखराजात बढ़ा लेते हैं जिससे उन्हें बहुत सी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। इसके बरक्स मजबूत कुव्वत इरादी और फहम व दराक के मालिक बुर्ज हुमल के अफराद फजूल खर्चे से दामन बचाकर मुस्तकबिल के लिए कुछ न कुछ पसे अंदाज जरूर कर लेते हैं और आमदनी के लिहाज से बुर्ज हुमल वालों के लिए सबसे ज्यादा
जो कमजोरी है वो उनकी शाह खर्ची है। बुर्ज हमल वाले अगर अपनी फजूल खर्ची की आदत पर कंट्रोल कर लें तो बहुत सारी आसानियां आने वाले वक्त में इनके लिए खुद ब खुद पैदा हो जाएंगी। बुर्ज हमल वालों के लिए माह अक्टूबर 2020 लेन देन के मामलात के लिहाज से मुआफ़क हालात से आपका वास्ता पड़ेगा। आपकी शख्सियत भी पुरकशिश हो जाएगी, ताहम माली मामलात और करीबी रिश्तेदारी के मामलात में आपको थोड़ा सा मोहतात रहना होगा। मरीख जो कि शुरू माह से ही आपके ताले में मौजूद है और रिजत की हालत में, इसकी मौजूदगी जहनी और जिस्मानी कुव्वत फराहम करेगी। इस माह जिन कामों की तरफ तवज्जो देंगी उन कामों में जरूरत से ज्यादा गलत फहमियां और शक का शिकार भी आप हो सकते हैं। अपने जाती कामों की तकमील में भी दबाव का बायस बनेगा। खेलों में हिस्सा ले रहे हैं तो कारकर्दगी में मुश्किल पेश आ सकती हैं। तरक्की करने वाले और कारोबार को वसी करने जहां आप मुलाजमत कर रहे हैं वहां भी आपको बेहतरीन सलाहियतों का इजहार करना होगा। तरक्की के इम्कान आपके रोशन हैं, लेकिन कुछ लोग मुखालफत में भी आपके सामने खड़े हो सकते हैं जिससे आपकी उम्मीदें टूट सकती हैं। तमीरी कामों में हिस्सा लें या टेक्निकल शोबे में महारत हासिल करना आपको जरूरी होगा। इस माह ऐसी सरगर्मियों में हिस्सा ले जिससे जहनी काबिलियत को बढ़ाने में मदद मिले। मरीख जो कि 8, 12, 20, 25 और 29 अक्टूबर को सैद नजरात कैम करेगा, ताहम 10, 16 और 22 अक्टूबर को मोहतात रहने की जरूरत होगी, क्योंकि इस दौरान में मरीख गैर मुआफक नजरात के तहत होगा और जब मरीख गैर मुआफक नजरात के तहत होता है तो हादसा या झगड़ा होने का अंदेशा रहता है। 14 अक्टूबर को शम्मस मरीख का मुकाबला होगा। इस दौरान में ससुराली रिश्तेदारों के साथ रुपए पैसे के मामलात में तलखी और इंतशार से भी आपको वास्ता पड़ सकता है। जिन लोगों पर आप भरोसा करके आपने रुपया उधार दिया था, वापसी के लिए किसी भी शख्स से कुछ हासिल होने की उम्मीद नजर नहीं आती, बल्कि वो लोग आपकी इज्जत को किसी न किसी तरीके से खराब करने की कोशिश भी करेंगे। लिहाजा लेन देन और कानूनी मामलात के लिए अपनी सोच को खुला रखें ताकि बेहतर से बेहतर आप फैसला कर सकें। 18 अक्टूबर को शम्मस जोल की तरबी होगी और इस दौरान में मुआदात या जायदाद से मुतल्लक अमूर में मोहतात आपको रहना होगा। लेन देन या खरीदारी में अखराजात पर काबू रखें और सरमाया को गवर्नमेंट के सेविंग स्कीम में न लगाएं। आला तबके के अफराद से भी तलकात में मोहतात रहें। हर मामले के कानूनी अमूर को मद्देनजर रखें। जल्द मुनाफा देने वाली स्कीम में रुपया लगाया है तो मुनाफा देर में हासिल होगा, ताहम ऐसी स्कीमों में हिस्सा लें जो मुस्तकिल माली फायदा दे, तो इससे मुतल्लक मालूमात कबल अस वक्त हासिल करें। खानदानी जायदाद या मेरास के सिलसिले में रिश्तेदारों के दरमियान झगड़ा भी हो सकता है। इस दौरान में हर शख्स अपनी बर्तरी जाहिर करेगा और अपने कब्जे में आपको करने की कोशिश भी करेगा। अगर ऐसा मामला दरपेश हो तो कानूनी हल तलाश करें। अतारत जाचे के 8वें घर में 15 अक्टूबर को रिजत कर जाएगा और 29 तारीख को वापस 7वें घर में दाखिल होगा। इस दौरान में शादीशुदा अफराद और वो अफराद जो शराकत में काम करते हैं उन्हें शरीक कार की खुशबख्ती के जरिए माली फायदा मिलेगा और रुपया जो आपको कहीं से वसूल करना है ऐसा मालूम होता है कि वो अब वसूल हो जाएगा, या फिर ऐसा भी हो सकता है कि सरमायाकारी रुपया इकट्ठा करने वाली स्कीमें या किसी मुकाबले से मुतल्लक कुछ खुशकुन खबरें भी आपको इस दौरान में मिल सकती हैं। बहरहाल हालात जो भी हों आपको किसी न किसी नौयत की का फायदा इस वक्त में जरूर मिलेगा। अक्टूबर की 9, 14, 18, 22 और 26 अतारत सैन नजरात के तहत होगा। वो अफराद जो कारोबार करना चाहते हैं इस माह अक्टूबर से ज्यादा मुहिम जोई से प्रेस करें। इस बात में मोहतात रहना होगा कि वक्त जो नए ख्यालात या बातचीत उम्मीद अफजा मालूम होगी वो आगे चलकर नाकाम रहेगी। इस वक्त किसी भी स्कीम या मामले में शामिल ना हो तो आपके लिए बेहतर है, बल्कि मौजूदा असासों और कामयाबियों ही को ठोस बनाने की तरफ तवज्जो दें। 19 अक्टूबर को जोरा मुश्तरी की तसलीस होगी।
इस दौरान में माली मामलात में हिस्सा लें। करीबी रिश्तेदारों के साथ तल्लुकात को असर नौ कायम करने में आसानी होगी। अपनी आर्जुओं को तकमील करें, अपनी बात का इजहार जिस ख्याल से भी करें वो पूरी हो जाएगी। दोस्तों के साथ तल्लुकात बेहतर रहेंगे। रिश्तेदारों के साथ सफर की भी निशानदेही हो रही है। एक दूसरे के साथ मिल बैठने का भी इस माह आपको मौका मिलेगा और हो सकता है कि बहुत सी बातें भी आपके सामने खुलकर आ जाए। जोरा जो कि 3 अक्टूबर को जाचे के छठे घर में मौजूद होगा और 29 अक्टूबर को सातवें घर में दाखिल हो जाएगा। ये माह अक्टूबर रोजगार की सरगर्मियों के लिए आपकी मुआफ़कत में होगा, लिहाजा इस वक्त से फायदा जरूर आप उठाएं। वो अफराद जो मौसू मुलाजमत की तलाश में हैं, उनके लिए ये माह मुआफ़क साबित होगा। दूसरी तरफ वो अफराद जिन्हें जायद काम से वास्ता पड़ा था, उनके बोझ में भी कमी आ जाएगी। साथ काम करने वाले अफराद से तल्लुकात भी आपके बेहतर हो जाएंगे। जोहरा मोहब्बत के मामलात पर हुकूमत करता है, चुनाचे इस माह 3, 9, 14, 18 और 23 अक्टूबर को मोहब्बत के मामलात के लिए मुआफ़क साबित होंगे। गैर शादीशुदा अफराद के लिए काम का माहौल इनकी जिंदगी में मोहब्बत का अंसर लाने में अहम करदार अदा करेगा। अगर अपनी दिलचस्पियों को वसत देना चाहते हैं या उनमें तब्दीली लाना चाहते हैं तो ये वक्त इस मकसद के लिए मुआफ़क साबित होगा। सोशल जिंदगी में भी बहुत सरगर्मियों और जोश पैदा हो जाएगा। बाहर जाने और लोगों से मिलने, नए दोस्त बनाने और जिंदगी से लुत्फ़अंदोज़ होने के ज़्यादा मौके आपको मिलेंगे।